हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईएस की करंट अफेयर्स। ये आपकी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पे आज हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही आप मुझे अन अकेडमी में भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। साथ में आपकी एनसीईआरटी भी यहाँ पर पूरी कंप्लीट है, आपको ज्योग्राफी की देखने को मिलेगी। यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप मुझे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके ऋषिका नाम से प्रोफाइल से मुझे फॉलो कर सकते हो, या तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के फर्स्ट टॉपिक से। ये है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ओके, तो ये अब न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पोर्शन जो है अभी अभी मूव हुआ है किसके अगेंस्ट में? प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में। ये आपको रफाल फाइटर जेट डील जो है उससे घोटाले को लेकर ये आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अभी पास हुआ है। तो एक क्लेम किया जा रहा है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को पास करके, जिसमें कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के अगेंस्ट में इसको पास किया गया है। और कहा गया है कि जो फिनेंस कमेटी है उसकी डिग्निटी और इथिक्स को कम करने के लिए, लोअर डाउन करने के लिए इसको पास किया गया है। अब हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि ये प्रिविलेजेस है क्या और कितने तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं। तो जो कंसेप्ट है प्रिविलेजेस के, वो कहाँ से निकल कर आया है? वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से निकल कर आया है। हम लोग ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, ये टाइप्स ऑफ प्रिविलेज और प्रिविलेजेस। ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे स्टार्ट किया था अपने पार्लियामेंट के सॉवरनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब सर्वोच्च जो उनका पार्लियामेंट है उनके सॉवरनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इस तरीके के प्रिविलेजेस के कंसेप्ट को पास किया था। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आपको आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट के और इसके मेंबर और कमिटीज़ के लिए प्रिविलेज की कंसेप्ट देखने को मिलेगी। साथ ही आर्टिकल 194 में आपको स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स और कमिटीज़ के प्रिविलेज देखने को मिलेगी। ओके, तो कुछ सर्टेन प्रिविलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस और उनके मेंबर को। जैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वो हाउस में कुछ भी बोल रहे हैं तो उनके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अगर किसी भी तरीके का लीबल हो, जैसे स्पीचेस के थ्रू या पेंटिंग के थ्रू या प्रिंटिंग के या पब्लिशर्स के थ्रू अगर उनको लीबल किया जा रहा है तो उनके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ भी बुरा हो जाता है तो हम लोग उसकी जैसे नरेंद्र मोदी जी की पोस्टर्स को जलाने लगते हैं, फाड़ने लगते हैं। तो उस तरीके की जो हिंसा होने लगती है, स्पीचेस होती है या फिर प्रिंटिंग होती है या पब्लिश के थ्रू हम लोग किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को, तो उनके अगेंस्ट में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको कुछ फंक्शनिंग करने के लिए इंश्योर किया जाता है जिसमें कि उनको कोई भी तरह का प्रेशर नहीं दिया जाता है। अपने पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली को के सॉवरनिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरीके का प्रिविलेज का कंसेप्ट दिया गया है। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के प्रिविलेजेस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो दो तरीके के प्रिविलेजेस हैं, एक है कलेक्टिव, एक है इंडिविजुअल। ओके, तो कलेक्टिव में क्या होता है कि अपने स्ट्रेंजर्स को हटाकर, जो कि प्रोसीड करते हैं प्रोसीडिंग में से स्ट्रेंजर्स को हटाकर, साथ ही जो सीक्रेट सिटिंग होल्ड करते हैं लेजिस्लेचर में, इन दोनों को हटाकर ये कलेक्टिव जो प्रिविलेज है वो प्रोवाइड किया जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो पब्लिश करती है ट्रू रिपोर्ट्स किसके बारे में? तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। सिर्फ पार्लियामेंट है जो वो रूल्स बना सकती है और अपने प्रोसीडिंग के लिए रेगुलेट कर सकती है। यहाँ पे आपको बार देखने को मिलेगा कोर्ट में, जिसमें कि किसी भी तरीके की जो हाउस में प्रोसीडिंग होती है उसके लिए जो भी इंक्वायरी बनाया जाता है या बैठाया जाता है तो उनके लिए कोर्ट में एक बार होती है। ये तो रही कलेक्टिव प्रिविलेज के लिए। अब हम लोग इंडिविजुअल प्रिविलेज का देखें तो इंडिविजुअल प्रिविलेज में कोई भी जब अगर सेशन चल रहा है या 40 डेज़ बिफोर या 40 डेज़ आफ्टर द सेशन किसी भी आप मंत्री को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल प्रिविलेज दिया गया है। दूसरा है कि ये आपका कोर्ट में लेबल नहीं है किसी भी तरीके का जो भी स्पीच आप पार्लियामेंट में देते हो। तीसरा है कि ये एग्जेम्प्ट किया गया है, आपका हटाया गया है या फिर इसको बाहर रखा गया है ज्यूरी सर्विस से जब हाउस जो है सेशन में रहेगा। यानी जब हाउस सेशन में रहती है, तीन तरीके की पार्लियामेंट की सेशन होती है, बजट सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन। तो इन तीन तरीके की सेशन जब होती है तो उस समय किसी भी पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ये एक इंडिविजुअल प्रिविलेज दिया गया है। अब देखते हैं करेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं देखने को मिला है जो प्रिविलेजेस को कोडिफाई करता है लेजिस्लेचर इंडिया में। प्रिविलेजेस जो है वो हमारे 5 सोर्सेज पे बेस्ड है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेकेंड है कि बहुत सारे लॉज है पार्लियामेंट में, थर्ड है कि जो रूल्स है आपका दोनों हाउसेस का यानी लोकसभा और राज्यसभा का, फोर्थ है आपका पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का,
फिफ्थ है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का। इन फाइव सोर्सेज पे हमारा जो प्रिविलेजेस है वो बेस्ट है। अब कमेटी देखते हैं प्रिविलेजेस में कौन कौन सी कमेटी है। पहली है स्टैंडिंग कमेटी जो कि हमारे दोनों हाउस में कॉन्स्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट है कि इसमें आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलेगा लोकसभा से और 10 मेंबर्स देखने को मिलेंगे राज्यसभा से जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। इसकी जो फंक्शंस है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि किसी भी तरीके की प्रिविलेजेस का ब्रीच तो नहीं हो रहा है, यानी इस तरीके की जो प्रिविलेजेस दी गई है उनका कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, उनके अगेंस्ट में कोई जा तो नहीं रहा है, और अगर ऐसा होता है तो वो रिकमेंड करते हैं एक अप्रोप्रिएट एक्शन स्पीकर को लोकसभा के और राज्यसभा के चेयरमैन को। अगर कभी भी इस तरीके के राइट्स या इम्यूनिटीज़ को डिसरिगार्डेड करते हुए देखा जाता है तो इस अपराध को जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहा जाता है और इसमें पनिशेबल भी है अगर हम लोग लॉ ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से देखें तो। फॉलोइंग प्रोसीजर है जो कि फॉलोड होता है हमारे प्रिविलेज केस में। एक नोटिस जो है वो दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोशन किसी भी मेंबर के द्वारा और दोनों हाउस में से कहीं से भी, यानी लोकसभा और राज्यसभा से आपको एक नोटिस दिया जाएगा कोई भी मेंबर को मोशंस के तौर पर कि वो जो है कोई भी गिल्टी किए हैं अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से रिलेटेड। जो स्पीकर है और राज्यसभा के चेयरमैन है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है प्रिविलेज मोशन के लिए। जो प्रिविलेज मोशन पास होता है वो इनके सहमति से ही पास होता है, वही इस पे डिसीजन ले सकते हैं और वो जो है प्रिविलेज कमेटी को फॉर्म करने के लिए वो रेफ़र कर सकते हैं। एक इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है कमेटी के द्वारा और उस पर फाइंड किया जाता है कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकता है लेजिस्लेचर की तरफ से। एक डिबेट होता है जिसमें कि जो हाउस में जो है वो रिपोर्ट किया जाता है और ये डिस्कशन के बेसिस पे होता है। यहाँ पे स्पीकर जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं पनिशमेंट के लिए अगर उनको लगता है कि कहीं से भी प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है, तो लोकसभा के जो स्पीकर है वो प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में वो पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है इस तरीके के प्रिविलेजेस के रिस्पेक्ट पे। तो पहला है कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड पावर, यानी यहाँ पे एब्सेंस हमें देखने को मिलता है, क्वालिफाइड प्रिविलेज नहीं होती है। साथ ही जुडिशियल स्क्रूटली जो है वो बेयर्ड करता है, मींस वो रोकता है अगर हम लोग प्रिविलेजेस की कोई केस को देखें जो कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट में होता है। डिसक्रेडिट्स देखने को मिलता है जिसपे कि पावर का सप्रेशन होता है, जो पावर है वो अलग अलग होते हैं। अगर स्पीकर का देखें तो वो कंप्लेंट्स के रूप में काम करते हैं, एडवोकेट के रूप में, जज के रूप में, जो कि आपको लीगल प्रोसीडिंग का सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। पेनल एक्शंस जो होते हैं जब हमारा प्रिविलेजेस का ब्रीच होता है वो अनवारंटेड होते हैं। ओके, यहाँ पे जो है आपको लेजिस्लेचर के द्वारा मस्ट आपको देखने को मिलेगा कि वो इन्वोक करते हैं जब कोई भी फंक्शनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। इन्वोक किया जाता है आपका डिफेमेशन के ग्राउंड में, यानी मानहानि के ग्राउंड में किसी भी इंडिविजुअल मेंबर के द्वारा। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में इंस्टेंसेस क्या क्या हुए हैं ब्रीचेस ऑफ प्रिविलेज पे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा। तो 1978 में जब इंदिरा गांधी वहाँ पे थी, तो 1978 में इंदिरा गांधी को एक मोशन दिया गया था जिसपे कि उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का मोशन उनके अगेंस्ट में पास हुआ था। नेक्स्ट है कि एक्सपल्सन जो थे सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा में, उनको एक्सपल्सन किया गया था 1976 में, उनके ऊपर भी ये चार्जेस लगी थी। तमिलनाडु असेंबली में पनिश किया गया था एक जर्नलिस्ट को। कर्नाटका असेंबली में एक पास हुआ था रिजोल्यूशन जिनमें कि इम्प्रेजमेंट और फाइन लगा था 2017 में। तो अब तक हमारे इंडिया में ब्रीचेस ऑफ जो प्रिविलेज है उसके ऊपर ये चार तरह की घटना हो चुकी है। अब वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनको जो है एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कि जो अनकॉडिफाइड प्रिविलेजेस है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बेस पे वो सिर्फ टेम्प्ररी है। ओके, तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट एक परमानेंट आपको बनाना चाहिए, कॉडिफाइड प्रिविलेज होना चाहिए। साथ ही जो डिसीज़न है स्पीकर का वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन से, जिसमें कि क्या होगा जो ट्रायल है वो भी कंडक्ट किया जाएगा कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल के द्वारा। हायर जुडिशियल जो है वो एक लिमिट सेट करे जिसमें कि पुनिटिव पावर भी इन्वॉल्व हो। जो सॉवरेनिटी है हमारे इंडिया के पीपल का वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है और उनको रेस्ट्रिक्ट भी करना चाहिए कि फ्री स्पीच की जो राइट है वो कहीं से भी उनका हनन ना हो सके, यानी उनको कहीं भी आप रेस्ट्रिक्ट ना कर सको। तो ये थी आपकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के द्वारा प्रिविलेज के बारे में। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नन ऑफ द अबव यानी नोटा बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में है। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन रिसेंटली जो है एक ऑर्डर दी है लोकल बॉडी को जिसमें कि वो फ्रेश इलेक्शन कराना चाहती है अगर नोटा हुआ तो, अगर नोटा नहीं जीता। ओके,
जैसे क्या होता है कि एक नन ऑफ द अवव ऑप्शन होता है, जब आप इलेक्शन के समय वोट देने जाते हो तो आपको सारे कैंडिडेट के नाम तो दिखेंगे, साथ में एक ऑप्शन होता है नोटा। इट मींस कि ऊपर जितने दिए हुए आपके कैंडिडेट के नाम है उनमें से अगर किन्हीं को आप वोट नहीं देना चाहते हो तो आप नोटा को वोट दे के आ सकते हो। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर इलेक्शन में वोटा जीत गया तो इट मींस कि एक फ्रेश इलेक्शन फिर से कराया जाएगा। ठीक है, तो अब नोटा के बारे में समझते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में आपका 2013 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक डायरेक्टिव दिया था। और ये एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग वोटिंग मशीन्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे वोटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो डिसअप्रूव करे सारे कैंडिडेट को, यानी अगर कोई भी कैंडिडेट को आप नहीं देना चाहते हो वोट तो आप नोटा को वोट दे सकते हो। इसलिए नोटा इंडिया में देखे तो वो प्रोवाइड करता है एक राइट टू रिजेक्ट, आपका एक हक है राइट टू रिजेक्ट करने का। नोटा जो वोट्स है वो अकाउंटेड नहीं होता है जब कैलकुलेट किया जाता है वोट्स जो भी कैंडिडेट के द्वारा दिए गए हैं। एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये एनालिसिस किया है कि 2013 से देखे 2018 मार्च तक, तो नोटा जो है वो अब तक जो है 1.33 करोड़ वोट्स जो है सिक्योर कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने करेंटली कहा है कि नो प्लेनरी पावर टू कॉल अ फ्रेश इलेक्शन। इट मीन्स कि अगर नोटा जीत जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कोई भी फ्रेश इलेक्शन कराने का। उसके बाद रूल अगर 64 देखे तो ये रेफर करता है एक डिक्लेरेशन, जिसमें कि आपका इलेक्शन का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और जो रिटर्न होता है इलेक्शन का वो भी डिक्लेयर किया जाता है। ये रूल 64 के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है रूल 64। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है री इलेक्शन का, जो कहा जा रहा है कि फिर से फ्रेश इलेक्शन कराया जाए या री इलेक्शन कराया जाए, तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे पहला फ़ायदा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नोटा जो है आपका आपके फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिया गया है, राइट टू लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी उसको इमेनाइट्स करता है, यानी उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करता है, उसको आपको रहने के लिए देता है। मतलब कि नोटा के साथ आपका क्या होता है कि राइट टू लिबर्टी है कि आप अगर स्वतंत्र हो, अगर आप ऊपर में से कोई कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा को वोट दे सकते हो, तो ये इंश्योर करता है नोटा। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बना रहेगा और फ्रीडम ऑफ आपका लिबर्टी भी बना रहेगा। कंड्यूसिव है आपका डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी क्या होता है, पीपल्स की पार्टिसिपेशन, हम पीपल्स ही तो वोट्स देते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो पार्टिसिपेशन है हमारा वो एक क्रूशियल पिलर्स है डेमोक्रेसी के लिए। तो हमें अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो एक ट्रू पार्टिसिपेशन दिखाना होगा, हमें जो है ज़बरदस्ती प्रेशर में आकर किसी को भी वोट नहीं देना है, हमें अपने हिसाब से वोट देना चाहिए। बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इससे क्या होगा ना कि डेमोक्रेसी में आपको एक अच्छाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ओपेकनेस होता है ना, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस होता है कैंडिडेट का, वो हट पाएगा और हम लोग जो है एक अच्छे तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट दे पाएंगे। लेकिन चैलेंजेस क्या है कि अगर फिर से हम लोग फ्रेश इलेक्शन कराते हैं, तो पहला है कि फिनेंशियल प्रेशर। आप देखते हो कि जब भी इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही मनी की इनफ्लो आउटफ्लो होती है। इट मींस कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है एक इलेक्शन कराने में, तो दोबारा अगर इलेक्शन कराया जाएगा तो ये जो है एक्सपेंडिचर, ये फालतू की एक्सपेंडिचर हो जाएगी। दूसरी है कि डिसरप्टिव डेमोक्रेसी, ये जो है एक फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते होते क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक लाइफ होता है ना, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है। आप देखते हो कि हर साल में आपको 4-5 इलेक्शन देखने को मिलती है, 4-5 स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पब्लिक जो लाइफ होती है ना, वो डिसरप्ट हो जाती है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हेल्प लेती है एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिशियल, मीन्स हर जगह जितनी भी जगह पे पोलिंग बूथ लगाई जाती है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो हेल्प लेती है कि जिसके कारण क्या होगा, एक स्मूथ या पीसफुल, शांतिपूर्वक और इम्पार्शियल पोल्स होना चाहिए। गवर्नमेंट इशू भी होती है। फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराने से क्या होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होती है और गवर्नेंस होती है वो इम्पैक्ट होती है, उसमें अफेक्ट होता है कि जैसे अगर कोई भी पॉलिसीज़ चल रही है तो आपका इलेक्शन के टाइप पे कुछ रुक जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रुक जाते हैं, साथ में आपकी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि हर लोगों का एक ही रुख होता है कि उनको वोट देना है। ओके, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो लोगों को खरीदने में बिजी हो जाते हैं, और जो जो हमारे जैसे पब्लिक होते हैं उनका भी एक जो लाइफ होता है, स्टाइल होता है, वो कहीं स्टक हो जाता है और जो हर चीज़ जो है इलेक्शन के चारों ओर घूमने लगता है, तो डिस्टरबेंस हर तरीके से दिखता है। तो ये आपको चैलेंजेस याद रखना है कि फ्रेश इलेक्शन से क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, गवर्नर्स रोल इन डिसॉल्यूशंस ऑफ स्टेट असेंबली। अब ये न्यूज़ में क्यों था पहले ये समझते हैं। जम्मू कश्मीर जो गवर्नर है उन्होंने रिसेंटली अभी डिसॉल्व किया है स्टेट असेंबली को, विच हैज़ बीन इन सस्पेंडेड एनिमेशंस। जब दो पॉलिटिकल पार्टी जो है सेपरेट हो गए थे और वो जो है एक गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, तब
तब जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर है उन्होंने डिसॉल्व कर दिया स्टेट असेंबली को। अब और न्यूज़ में समझते क्यों था, जो रीज़न बताया जा रहा है डिसॉल्यूशंस का वो है एक्सटेंसिव हॉर्स ट्रेडिंग, और जो पॉसिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट का जिसमें कि पार्टीज फॉर्म करेगी वो अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है जो कि स्टेबल नहीं होगी। ओके, यही रीज़न देकर वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है, जो मूव लिया गया है वो हार्मफुल हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए। झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर के रिलेशनशिप जो सेंटर से है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को तौर पे रखते हुए ये कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो आर्टिकल 172 कहता है कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हर एक स्टेट में होना चाहिए जब तक वहाँ पर आपका डिसॉल्व ना हो, और वो कंटिन्यू होना चाहिए 5 ईयर्स तक, यानी 5 ईयर्स तक कंटिन्यू हो अगर बीच में कभी भी डिसॉल्व ना हो। आर्टिकल 174(2)(b) कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि स्टेट्स जिसमें कि आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे वो टाइम टू टाइम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते रहें। ओके, यानी 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद फिर से नया बने और फिर उसके बाद 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाए। ये पावर दिया गया है गवर्नर को आर्टिकल 174(2)(b) में। ओके, आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टेट आपका फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर स्टेट पे देखें वो फेल हो जाता है तो उस समय वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 356 क्या होता है कि अगर स्टेट की जो आपकी दिनचर्या है, स्टेट में जो भी आपका काम हो रहा है, लेजिस्लेटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव वर्क, ओके, और जुडिशियल वर्क, अगर ये तीनों वर्क स्टेट के कंपैरिजन में स्टेट के साथ मिलकर नहीं हो पा रहा है तो इस समय क्या होता है ना कि स्टेट कंट्रोल कर लेती है, सेंटर कंट्रोल कर लेती है स्टेट को। ओके, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर पा रहा है तो उस समय क्या होता है कि सेंटर जो है पावर में आ जाती है और वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो जो पावर दिया गया है सेक्शन 92 और सेक्शन 52, सेक्शन 92 में है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है, और सेक्शन 52 में है जो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। तो ये इस दोनों सेक्शन में दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप सोच रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अलग है, उनका संविधान अलग है, सेंटर का अलग है। ओके, लेकिन आप देखते हैं कि इशू क्या क्या है डिसॉल्यूशन पावर से रिलेटेड। पहला है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर अनटाइमली डिसॉल्यूशन। मीन्स ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है डिसॉल्यूशन का। एक क्राइटेरिया है कि आप 5 साल के लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली का जब 5 साल का टेन्योर ओवर होता है तो डिसॉल्व करना है, लेकिन अगर उसके बीच में कुछ भी अनबन होती है तो डिसॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसा कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ तक कि आपका आर्टिकल 174 है वो पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो डिसॉल्व कर सके असेंबली को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट है इसमें कि कब और अंडर कौन से सर्कमस्टांसेस से या किस कंडीशन में आपको डिसॉल्व करना है। ओके, अगर पॉलिटिकल रीज़न देखें तो वो भी आपका डिसॉल्यूशंस के से कहता है, जैसे कि पोटेंशियल अगर हम लोग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का देखें तो फ्यूचर में देखने को मिलता है कि झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर में जो रीज़न होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का वो यही सारा रीज़न है कि डिसॉल्यूशंस होते जाता है असेंबली बार बार। ओके, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो मिसिंग है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी गवर्नर ऑफिस में, जो पोस्ट है वो रिड्यूस किया हुआ है ऑलरेडी, कि जिसमें आपका रिटायरमेंट पैकेज जो है पॉलिटिशियंस का वो अभी तक डिफाइंड ही नहीं है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें तो बिहार स्टेट असेंबली जो कि डिसॉल्व होता है, किया गया था गवर्नर के द्वारा 2005 में, एक एप्रिहेंशंस था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके डिसीजंस को जो है इलीगल कहा और मैलाफाइड कहा। नेक्स्ट अगर हम लोग सजेशन देखें तो बहुत सारी कमीशन है जिन्होंने सजेशन दिया था। पहला है सरकरिया कमीशन, यहाँ पे कहा गया था जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व नहीं होना चाहिए जब तक कि पार्लियामेंट के थ्रू प्रोक्लेमेशन ना मिल जाए, यानी पार्लियामेंट के थ्रू जब तक परमिशन ना मिल जाए डिसॉल्व करने का तब तक स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। दूसरा कहा जा रहा है कि जो यूज़ है 356 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको कभी कभी ही यूज़ करना चाहिए, रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म हो सकते हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, या ये नहीं कि आप अगर कोई भी अनबन हो रही है तो असेंबली को डिसॉल्व कर दें। ये कहा गया था सरकरिया कमीशन में। अगर हम लोग एमएम पुंची कमीशन के बारे में देखें तो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर है उसको फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। और यहाँ पे और सजेस्ट किया जा रहा है कि एक प्रोविज़न हो जिसमें लोकलाइज्ड इमरजेंसी दिया जाए
जिसके थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैकल कर सके कोई भी इशू जो रिलेटेड है आपका टाउन से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व ना करना पड़े, बस बल्कि उसमें जो भी इशू हो रहा है उसको रिजॉल्व कर सके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, तो यहाँ तो अगर सजेशन देखें तो दो कमीशन ने सजेशन दिया था, सरकरिया कमीशन और MM पूंजी कमीशन। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी। तो पहला है बोमाई केस, जो कि 1994 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है कि जो केस है वो आपका प्राइमरी कहा जा रहा है कि पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए जिसके थ्रू जो है मेजोरिटी को चेक किया जाए। ओके, दूसरा है कि जो कोर्ट है वो कह रही है कि जो पावर दिया गया है 356 आर्टिकल के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए और इसको वाइडली तौर पे यूज़ करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल गेन करने के लिए यूज़ करना चाहिए। ये था जजमेंट जो कि बोमाई केस में आपका 1994 में दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग जजमेंट देखें रामेश्वर प्रसाद केस, जो कि 2006 में दिया गया था, यहाँ पे बिहार के जो गवर्नर्स है वो रिकमेंडेशन दिए थे कि जो असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है प्रीवियस ईयर में वो एक इलीगल और मालाफाइड है। ओके, यानी वो लीगल तरीके से नहीं है, उसको इलीगल मानना चाहिए, वो गलत मानना चाहिए। गवर्नर है उनको जो है कभी भी पोस्ट पोल अलायंस को शट डाउन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट है उसको भी अनसस्टेन्ड क्लेम्स जो हॉर्स ट्रेडिंग का हो रहा है या करप्शंस का हो रहा है उसको नहीं मानना चाहिए, बल्कि वहाँ पे आपको जाके इश्यूज को समझना चाहिए और रीज़न पता करना चाहिए कि असेंबली को डिसॉल्व क्यों किया जा रहा है। तो ये दो केस है आपका जो भी गवर्नर के थ्रू जो असेंबली को डिसॉल्व किया जा रहा था उससे रिलेटेड। ओके, तो ये सारे केस आपको याद रखना है जिससे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक देखें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको CBI भी कहते हैं, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने अभी विथड्रॉ किया है कि जनरल कंसेंट के द्वारा कि वो चाहती है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो है उनके स्टेट में नहीं आए और उनके पावर को वो कटेल करना चाह रही थी। तो ऐसी कौन सी दो स्टेट है? वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ओके, अब मोर न्यूज़ में देखते क्यों था। जो CBI है वो आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर में काम करती है, जो अब जो है अप्रोच कर सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो कोई भी रेस केस से रिलेटेड तो वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर वो स्टेट में भी अप्रोच कर सकती है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत अगर हम लोग ईयर से देखें तो बहुत सारे स्टेट है जो कि विड्रॉ कर चुके हैं CBI के कंसेंट को। जनरल कंसेंट क्या हुआ, जो यहाँ पे टर्म आपका यूज़ हो रहा है ना कि विड्रॉ कर दिए है जनरल कंसेंट, तो इन दोनों स्टेट ने जो विड्रॉ किया है जनरल कंसेंट, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग देखें तो CBI के पास एक जुरिस्डिक्शन है सिर्फ जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई भी काम करना होता तो ही करते हैं। वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक केस को जिसमें कि अगर वो केस कोई स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और अगर कोई भी केस जो है वायलेट कर रहा है आपका क्राइम वायलेंट है, आप वायलेंट क्राइम किया हुआ है तो उस स्टेट में से रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जो जनरल कंसेंट है वो नॉर्मली आपका दिया गया है किसी पीरियड्स के लिए, मतलब कि जैसे 6 मंथ हो या साल भर के लिए हो। ओके, हमेशा के लिए नहीं, जनरल कंसेंट आपका एक टाइम पीरियड है, एक बाउंडिंग पीरियड है, ये आपका अप टू 6 मंथ हो सकता है या तो आपका 1 साल तक हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट कैन द CBI डू नाउ। अब वो CBI करते क्या है? तो CBI जो है वो अभी भी आपका पावर देखने को मिलता है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई भी पुराने केस से जो भी रजिस्टर्ड है, जब उनका जनरल कंसेंट जो है एग्जिस्ट करता है, यानी जब उनका जैसे कोई भी केस अगर आपका फाइल होता है तो उस समय आपका CBI जो है उसके जनरल कंसेंट यानी टाइम बाउंड में से रिलेटेड जो है टाइम बाउंड में दिए हुए यानी 6 महीने या 1 साल में उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। विड्रॉवल जो है कंसेंट का वो अभी आपका CBI के बार में लिया गया है, जो कि एक केस को रजिस्टर किया गया था आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। इसके बाद देखिए तो जो केस रजिस्टर्ड होता है कहीं भी यानी कंट्री के किसी भी कोने पे, तो वहाँ पे आपको CBI का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम लोग देखें CBI के बारे में कुछ समझते हैं, ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी केस से रिलेटेड, अगर वो केस आपका करप्शन का हो या फिर मेजर क्रिमिनल पर्सन से रिलेटेड हो। ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। जो लोकपाल एक्ट 2013 है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि जो CBI के डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जाए किसके रिकमेंडेशन के थ्रू, एक कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू, जिस कमेटी में आपके प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो लोकसभा के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो,
और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो, इन ये कमेटी फॉर्म हो और इस कमेटी के रिकमेंडेशन से आपके सीबीआई के डायरेक्टर का जो है फॉर्मेशन होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज करती है सीबीआई को, यानी वो हक देती है सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट करे किसी भी तरीके का क्राइम को स्टेट में, ओनली विद द कंसेंट ऑफ, अगर उनको किसी भी स्टेट में अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही जा सकते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट अगर परमिशन दे दी तो ही वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। ओके, अब कुछ और हम लोग इश्यूज़ देखते हैं जो सीबीआई के फंक्शनिंग से रिलेटेड है। पहला प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम अगर हम लोग लेजिस्लेटिव लूपहोल्स में देखें तो यहाँ पर है कि ये इसकी जो फंक्शंस होते हैं सीबीआई के वो आपका बेस्ट है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन में, जो कि डीपीएसई एक्ट 1946 के अंदर दिया गया है। ये डिपेंडेंट करते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल के ऊपर, क्योंकि अगर इनको इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी देश के कोने में तो उनको हर एक स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, तो ये एक डिपेंडेंसी देखा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स देखें कि सीबीआई में एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स क्या है, तो सबसे पहला है कि सीबीआई जो है उनका खुद का कैडर नहीं है और उनका कोई भी ऑफिसर नहीं है जो उसको रन करता है। ओके, वो पूरी तरीके से काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें तो उसमें जो है आपका सफिशियंट जो मैन पावर है वो भी यहाँ पे कमी दिखता है, जिसके थ्रू जो है केस को सॉल्व किया जाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखा जाता है सीबीआई में ही, अभी देख रहे थे हम लोग सीबीआई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शंस, यहाँ पे ओवरलैप देखा जाता है बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शंस जो कि सीवीसी सीबीआई और लोकपाल के बीच में होता है कुछ सर्टेन केस को रिलेटेड। पॉलिटिकल प्रेशर देखें तो सीबीआई जो है अभी भी क्रिटिसाइज्ड किया जाता है कि वो गवर्नमेंट के बेनिफिट पे काम करती है। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका सीबीआई है वो कैट पैरोट है किसी भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, सीबीआई जो है वो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो आरटीआई एक्ट जो 2005 है उसके अंदर में रह के वो काम नहीं करती है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। साथ में हम लोग मेजर्स देखते हैं, कमेटी सजेशंस, जैसे सेकंड एआरसी कमीशन है तो उन्होंने जो है वो कुछ सजेस्ट की थी कि एक न्यू लॉ होना चाहिए जिसमें कि जो सीबीआई की वर्किंग है उसको पूरी तरीके से गवर्न किया जाए। नेक्स्ट है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है 2007 और 2008 में, उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि अभी ज़रूरत है कि हम लोग सीबीआई को स्ट्रेंथन करें लीगल मैंडेट के टर्म्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में और रिसोर्सेज के टर्म्स में। सीबीआई जो है उसको अपना काम करना चाहिए लीगल मैंडेट के टर्म्स में और जो पैन इंडिया ज्यूरिसडिक्शन है उसके बेसिस पे। मैन पावर स्ट्रेटनिंग देखें तो सीबीआई जो है वो डेवलप करना चाहिए अपना खुद का कैडर और साथ ही उसके ऑफिसर्स भी। जो मैन पावर है सीबीआई का वो इन्हेंस करना चाहिए इफेक्टिव और टाइमली इन्वेस्टिगेशन। जो सर्विस कंडीशन होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो सीबीआई में देखा जाता है वो भी इम्प्रूव किया जाए यूपीएससी के थ्रू। ओके, जैसे यूपीएससी का आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वही प्रोसेस देखना चाहिए यहाँ पे भी सीबीआई के रिक्रूटमेंट में। जो एंटी करप्शन विंग्स है सीबीआई और सीवीसी का उसको जो है लोकपाल के अंदर लाना चाहिए और यहाँ पे और भी ग्रांट करना चाहिए, ऑटोनोमी देना चाहिए सीबीआई को। और यहाँ पे और भी सजेशन दिया गया है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इस एजेंसीज के, जैसे एनआईए हुए, सीबीआई हुए, आईबी हुए या पारामिलिट्री फोर्सेज हुए, उनको भी जो है आरटीआई एक्ट के अंदर लाना चाहिए। एनिमी प्रॉपर्टी, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है कि एक मैकेनिज्म और प्रोसीजर जिसमें कि हम लोग एनिमी शेयर्स को जो है सेल कर सके, बेच सके। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है पहले वो हम लोग देखते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत देखें तो एनिमी प्रॉपर्टी जो है उस तरीके की प्रॉपर्टी कहते हैं जो कि किसी भी लोग का जो कि एनिमी का हो या फिर उनके बिहाफ से आपको देखने को मिले या फिर एनिमी सब्जेक्ट हो या एनिमी फर्म हो, किसी भी दुश्मन का आपको कोई भी सब्जेक्ट देखने को मिले या कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सामान, तो वो एनिमी प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर हम लोग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की तरफ देखें जहाँ पे एनिमी को डिफाइन किया गया है, अगर किसी कंट्री का एनिमी देखें तो उसको जो है जो भी इंडिया के अगेंस्ट में एग्रेशन दिखाता है, अपना गुस्सा दिखाता है, उसको हम लोग एनिमी मानते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान भी तो हमारा एनिमी है, तो वो उसको एनिमी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ओके, तो मोर ऑन न्यूज़ देखते कि क्या था। तो जो अप्रूवल किया गया है उसमें आपको सेल करना है एनिमी शेयर्स को किसके अंडर में, कस्टडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसको हम लोग सेपी भी कहते हैं। ओके,
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है डीपैम, वो अभी ऑथराइज की है कि प्रोविजंस जो दिया गया है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में, उसमें जो है इस प्रॉपर्टी को सेल करने का प्रावधान दिया गया है। सेल जो प्रोसीड होगा यानी बेचने का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होगा, उसमें आपका डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड भी डिपॉजिटेड है। इम्पैक्ट क्या होगा इस डिसीज़न का? ये जो डिसीज़न है ये मोनेटाइज करेगा हमारे एनिमी शेयर्स को, जो कि अभी डोरमेंट लाई कर रहा है बहुत सालों से, एक डिकेड से देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सामान हमारे पास है एनिमी का। तो जो हमारा वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार भी आप छोड़ दो, जब पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, तो पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आज भी इंडिया में है, तो इसीलिए उनके सारे प्रॉपर्टीज़ को सेल करने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा कि जो मूवेबल एनिमी प्रॉपर्टी है, कि क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे यहाँ इंडिया का, इंडिया में जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रह गई है, पाकिस्तान में इंडिया का जो प्रॉपर्टी रह गया है, उसको मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो जो मूवेबल एनिमी प्रॉपर्टी होती है वो मोनेटाइज हो पाएगी और सेल के थ्रू जो है ना, हम लोग डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं चला पाएंगे। जो भी सेल करके जो मनी आएगा ना, उस मनी से हम लोग डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड फेक न्यूज़ प्रोजेक्ट। अभी क्या है, क्यों है न्यूज़ में? तो यूके बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो बीबीसी है, उन्होंने लॉन्च किया है बियॉन्ड फेक न्यूज़ प्रोजेक्ट, जिसमें कि कैसे और क्यों जो है मिस इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है इंडिया में। बैकवर्ड में अगर हम लोग जाके देखें बैकग्राउंड में, तो फेक न्यूज़ जो है वो आपका क्या होता है कि मीडिया प्रिंट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल में आपका फैलता है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं, जैसे मॉब अनरेस्ट होता है, डेथ होता है, इंजरी होता है, यानी भीड़ जो है एक अकेला इंसान या फिर आप कह सकते हो कि जो इनोसेंट पर्सन होते हैं उनको मार देते हैं। तो इस तरीके का फेक न्यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में। इसको यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू जो है पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके या फिर पॉपुलैरिटी को गेन कर सके, इमेज को मैलिक कर सके या इमेज को ख़राब कर सके या फिर इंडिविजुअल के सर्टेन कैरेक्टर को ख़राब कर सके। तो ये सारी चीज़ों को फेक न्यूज़ यूज़ करके ऐसा ऐसा प्रावधान किया जाता है। अब देखते हैं राइट टू फ्री स्पीच एंड फेक न्यूज़ है क्या। फेक न्यूज़ रेफर करता है एक न्यूज़ स्टोरी, इंफॉर्मेशन, डेटा, रिपोर्ट्स जो कि पूरी तरीके से या आपकी पार्शियली आधी आधी गलत होती है। फेक न्यूज़ जो है वो एक्सप्लॉइट करता है किसी के फ्रीडम को जो कि आपको मीडिया को दिया जाता है। ओके, फेक न्यूज़ जो है वो आपका फ्री पब्लिकेशंस होता है और ब्रॉडकास्ट किया जाता है न्यूज़ जो कि इंडिया में है, और वो फ्लो करता है बहुत ही तेज़ी से। ओके, और जो हमारा फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड दिया गया है वो हमारे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अभी कर्टेल नहीं किया जा सकता है, और ये अगर कटेल भी किया जा सकता है तो लिमिटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर ही किया जा सकता है। तो फेक न्यूज़ से रिलेटेड हम लोग देख रहे थे बैकग्राउंड, तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशंस भी जो है वो देखा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू। और जो प्रोजेक्ट है बियॉन्ड फेक न्यूज़, ये अब एक न्यू कैंपेन है जो जिसका एम है कि हम लोग को लड़ना है जिस तरीके की डिस इन्फॉर्मेशंस या फेक न्यूज़ स्प्रेड किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए लड़ना है। लीगल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है उन लोगों के पास जो फेक न्यूज़ से अफेक्टेड है? तो पहला है BCC, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। एक कंप्लेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिवल टीवी कंटेंट होगा और फेक न्यूज़ होगा जो कि आपका BCC में फाइल किया जाएगा। ओके, इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन, एक IBF होता है जो कि आपका कंप्लेंट लॉन्च करेगा अगर किसी भी कंटेंट के, जो भी आपका फेक कंटेंट होगा उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लॉन्च करेगा। न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन बनाया जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका प्राइवेट टेलीविजन न्यूज़ और करेंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, अगर हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट 1978 के तहत देखें तो ये वॉर्न करता है, साथ ही साथ ये न्यूज़पेपर पर, न्यूज़ चैनल पर सेंसर लगाता है जो भी आपका फेक न्यूज़ को स्प्रेड करता है। डिफेमेशन सूट देखें तो ये आपका एक दूसरा ही लीगल टूल है जो कि आपका फेक न्यूज़ के केस में अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देखें तो ये इम्पोज करता है किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशंस जो आपका इंटरमीडिएटरीज में लगता है, जैसे कि सर्च इंजन जाइंट हो, गूगल हो, या फिर कोई रिमूव किया जाए ऑब्जेक्टिवल कंटेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेट शटडाउन। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने अभी टॉप किया है वर्ल्ड में, जो कि हाईएस्ट नंबर है हमारे यहाँ पे जब इंटरनेट शटडाउन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अगर 2018 में देखें तो 121 ऐसा रिपोर्ट निकल कर आया है जिसमें कि हम लोग इंटरनेट शटडाउन किए हैं। अगर एडिशनली देखें तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है डिक्लाइन करने में, फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट 2018 का। अब रीज़न क्या होता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया?
सबसे पहला फेक न्यूज़ सर्कुलेशंस, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था, आप देख रहे थे व्हाट्सएप में, ट्विटर में और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था, और उसके कारण मॉब लिंचिंग की जो प्रॉब्लम थी ना वो बढ़ गई थी। यानी भीड़ जो है एक इकट्ठे होकर एक किसी भी लोग को मार देते थे बस गलत न्यूज़ के कारण। ओके, तो फॉर मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी एक स्टेट में जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलता था कि सिक्योरिटी भी नहीं हो पाती थी, लोग जो है आपस में भिड़ जाते थे, तो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। अगर इशू देखें तो शटडाउन जो है वो यूटिलाइज़ करने के लिए कि कोई भी तरीके का एक्टिविटी जिसके थ्रू जो है प्रोटेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए जो है ये आपका रीज़न था। आर्गूमेंट अगर हम लोग देखें कि इंटरनेट शटडाउन के अगेंस्ट में, तो ये अगर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो इट मींस कि ये इंश्योर करता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 जजमेंट में कहा था कि जो राइट टू एसेस इंटरनेट है वो हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशंस के अंदर आना चाहिए और इसको कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कॉस्ट में। अगर हम लोग आरके क्लॉक देखें तो इसमें सेक्शन 144 और सेक्शन 5 का 2 है जिसमें ऑलमोस्ट कहा गया है कि कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग को जो है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ कट डाउन किया जाए। नो डेफिनेट क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिसके थ्रू जो है शट डाउन किया जाता है इंटरनेट को। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है जो कि डिटरमाइन करता है कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसा इंडिया में हो जो क्वालिफाई कर रहा है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट शट डाउन करते। नो नॉन रिजोल्यूशन ऑफ द इशू, जो फ्रिक्वेंट इंस्टेंट हो रहे हैं शट डाउन का, वो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसके स्टैंसेस को फेल करने में दिख रहा है। इंक्रीज हो रहा है प्रिवेंटिंग शटडाउन, 2017 में देखें तो नंबर ऑफ प्रिवेंटिव शटडाउन जो है वो 3 times इंक्रीज हो चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डिजिटल इंडिया, ये कॉन्ट्राडिक्शंस है जिसमें कि गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया उसके अगेंस्ट में है। अवे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है कि मेज़र लेना चाहिए टेक कंपनीज़ के द्वारा, जैसे सोशल मीडिया जॉइंट है, ट्विटर है, फेसबुक है, ETC जो है वो सेल्फ रेगुलेट करती है, तो इन लोग के द्वारा हेल्प लेना चाहिए। सिविल सोसाइटी एंड मीडिया के द्वारा वो जो है कंटिन्यू करे और अवेयरनेस को रेज किया जाए। मेज़र्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लेना चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जो कि एक एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके पीपल्स के पास। नेक्स्ट टॉपिक देखें, युवा शाकर कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेटिव स्कीम न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है NCDC, जिसको हम लोग नेशनल कोऑपरेटिव डिफेंसिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। ये आपका न्यू स्कीम है जिसमें कि युवा शंकर कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम है। अब देखते युवा शंकर है क्या, इसका पर्पस क्या है। तो ये कैटर करना चाहता है कि जो भी आपके यूथ के एस्पिरेशंस है और जो भी ज़रूरत है उसको देखना चाहता है, उसको फुलफ़िल करना चाहता है। NCDC जो है वो आपका एक यूथ फ्रेंडली स्कीम है, इसको NCDC कहा जा रहा है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारे कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर। CSIF फंड देखें तो ये स्कीम्स जो है वो आपका लिंक्ड है कोऑपरेटिव स्टार्टअप और इनोवेशंस फंड से, जो कि आपका क्रिएट करेगा, ये क्रिएटेड है आपका NCDC के द्वारा, जो कि आपको 100 crore रुपीज़ जो है इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। फंडिंग अगर देखें तो फंडिंग जो है इस प्रोजेक्ट का वो आपका 80% जो है प्रोजेक्ट का कॉस्ट एक स्पेशल कैटेगरी के द्वारा दिया जाएगा और 70% जो है दूसरे के द्वारा दिया जाएगा, अदर्स के द्वारा, और जो स्कीम से उसमें 2% जो है वो आपका एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे भी कम लगेगा। एलिजिबिलिटी देखें तो हर तरीके के कोऑपरेटिव जो है इस काम में आ सकते हैं एटलीस्ट 1 साल तक, या फिर जो वो अगर नेटवर्थ भी पॉजिटिव नेटवर्थ अगर उनका होगा, यानी अच्छा वो काम करेंगे तो उनका ईयर्स भी बढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये पूरी तरीके से यूथ को एस्पायर करने के लिए, यूथ को इनकरेज करने के लिए और यूथ के मोटिवेशंस को बढ़ाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो यूथ को किसी भी तरीके की ज़रूरत है तो उसके लिए इस तरीके की स्कीम लाया गया है, इसलिए इसका नाम है युवा शाहकर। ओके, अब NCDC भी इसमें आपका न्यूज़ में आया है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो उसके बारे में देखते हैं। ये आपका सोल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर, जो आपका एपेक्स फिनेंशियल और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरह एक काम करता है। ये स्ट्रेंथन करता है और प्रमोट करता है प्रोग्राम को जो कि हर सेक्टर के अक्रॉस में देखने को मिलेगा, रिलेटेड होगा आपका एग्रीकल्चर या फिर एलाइड फील्ड जैसे डेयरी, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, कॉटन गेनिंग, स्पाइनिंग, सुगर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपका वर्क होगा वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। यानी NCDC जो है अब वो आपका एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड जो भी काम होगी उसमें आपका हेल्प करेगा। ओके, सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक या व्हाट्सएप में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको न्यूज़ विज़न आईएएस के आगे आने वाले हर सेक्शंस को जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और आपको एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।